नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सतपाल स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन मटेरियल में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम डेली बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वैसे ही हम आज फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा भाई लोगों को कि वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। जब तक अंत तक नहीं देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा उस वीडियो के पूरे बारे में। आप देख लेते हो, स्किप करके देख लेते हो, आप एक दो क्वेश्चन देख लेते हो, जब तक आप उसको पूरा नहीं ध्यान से सुनोगे तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी भाइयों। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, विनती करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। ज़्यादा समय की तो वीडियो मैं खुद नहीं बनाता, हर वीडियो मेरी लगभग 10 मिनट से कम ही रहती है, आठ नौ मिनट तो निकाल ही सकते हो। अगर आप ये 8-9 मिनट निकाल के ध्यान से देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रट जाएंगे आपके, दोबारा याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 8 मिनट की वीडियो होती है, 9 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप आराम से पूरी देखोगे तो 8 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उसको क्या है कि याद कर लोगे पूरे को। तो भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि मतलब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो भाइयों अब शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व दुग्ध दिवस है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? जो तो विश्व जो वर्ल्ड मिल्क डे है जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, तो वो मनाया जाता है 1 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 2000 से, है ना, 2000 में इसको पहला वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था। तो कब मनाया जाता है पहला विश्व दुग्ध दिवस? कब मनाया जाता है? 1 जून को। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। भारत का 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कौन से शहर में किया जाएगा? जो भारत का 10वां, जो अब की बार 10वां 2020 में होने वाला है, उसका जो विज्ञान फिल्म महोत्सव है वो कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, वो शहर है अगरतला। अब इसको आयोजित कौन कौन कर रहा है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए दोस्तों, इसकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बताता त्रिपुरा, क्योंकि अगरतला किसकी है? त्रिपुरा की राजधानी। तो ये तीनों मिलकर इसका आयोजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लेकिन इसका आयोजन कहाँ होगा? होगा अगरतला में। वैसे रिलेटेड किससे है ये है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, ये साइंस एग्जीबिशन वगैरह से रिलेटेड होता है ये। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मई 2019 में ई सिगरेट की बिक्री पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जो ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उस पर कौन से राज्य ने बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है? दोस्तों तो वो है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अब देखते हैं दोस्तों, अब राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे राजस्थान का सीएम कौन है? तो है अशोक गहलोत। ठीक है, कौन है? अशोक गहलोत इसका सीएम है। इसका डिप्टी सीएम कौन है? इसका डिप्टी सीएम है सचिन पायलट। और इसकी राजस्थान की राजधानी क्या है? तो वो है पिंक सिटी जयपुर। अब दोस्तों देख लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव हुए थे, कितने सीटें जीती थी, कितने टोटल कितने सीटें, तो राजस्थान में कितने टोटल हैं? 25। और बीजेपी ने कितने जीत प्राप्त की थी? वो 25। वैसे गवर्नमेंट किसकी है? पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे किसने जीते थे? वो जीते थे कांग्रेस ने। तो देखिए दोस्तों, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इसे पूछ ले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र के जो है, संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? जो संयुक्त राष्ट्र है उसका उप कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वो है अनिता भाटिया। कौन है? अनिता भाटिया है। ये है जो महिला है, ये भारतीय मूल की महिला है। अनिता भाटिया है वो भारतीय मूल की महिला है। तथा अब देखते, इसका महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र का? इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब जो नीचे दिया गया है ये विजयलक्ष्मी पंडित, थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये, और इसने ये जो संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो महिला अध्यक्ष थी वो संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजयलक्ष्मी पंडित।
अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है संयुक्त राष्ट्र का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब इसमें कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसकी इसमें टोटल अभी 193 देश हैं, 193 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अगर कोई दिक्कत हो किसी भाई को तो वो जरूर बता दें कमेंट में, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बता दें। कोई दिक्कत नहीं भैया, आपका ही चैनल है, आप ही कमेंट करोगे, आप ही गलती को सुधारोगे, ठीक है। मैं भी आपकी तरह भाई तैयारी करने वाला ही हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं खुद तैयारी करके भाइयों को बताऊं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, आरबीआई बैंक 3 से 7 जून 2019 तक पूरे देश में कौन सा सप्ताह मनाएगा, जो आरबीआई वो 3 से 7 जून 2019 तक पूरे देश में कौन सा सप्ताह मनाएगा, तो देखिए दोस्तों वो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ठीक है, जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा 3 से 7 जून 2019 में। अभी इसके बारे में, आरबीआई के बारे में बात करते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब दोस्तों इससे पूछ लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब इसके जो फिलहाल जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन, वित्त मंत्री सीतारमण पहला केंद्रीय बजट कब पेश करेंगी, तो जो वित्त मंत्री है जो अब की बार वित्त मंत्री बनाए गए हैं निर्मला सीतारमण, वो अपना पहला बजट कब पेश करेंगी, तो देखिए दोस्तों वो करेंगी पाँच जुलाई का अपना पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी। जो ये महिला सीतारमण है ये पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, जो मतलब पूर्णकालिक जो वित्त मंत्री है, जो महिला वित्त मंत्री है वो पहली है, ये जो पूर्ण जो है वित्त मंत्री बनी है, तो पहली जैसे पहले पूछ ले कि पहले भी पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन सी है, तो पहले इंदिरा गांधी भी एक बार बनी थी, लेकिन जो पूर्णकालिक है वो निर्मला सीतारमण। और जो वित्त मंत्रालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 29 अक्टूबर 1946 को। अब क्वेश्चन नंबर 7, जल संसाधन स्वास्थ्य मंत्रालय किस नए मंत्रालय के विलय किया गया, जो जल संसाधन स्वास्थ्य मंत्रालय है वो किस नए मंत्रालय में विलय किया जाएगा, जो जल संसाधन का मंत्रालय कौन से मंत्रालय में विलय इसको शामिल किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों वो है जल शक्ति में, इसमें जल शक्ति में इसको विलय किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उससे पिछले वीडियो में बताया था कि जो जल शक्ति है, जो जल शक्ति की किसको इसका मैंने इसका जो है किसको नियुक्त किया गया है, इसका जो मंत्रालय द्वारा मंत्री नियुक्त किया गया है किसको किया गया है, अभी जो 24 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ ली थी कैबिनेट मंत्रियों में, उसको जल शक्ति के ऊपर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है गजेंद्र सिंह। तो इन जो गजेंद्र सिंह है जो पिछले वीडियो में बताया था वो कौन से सांसद क्षेत्र से हैं, दोस्तों तो वो जोधपुर राजस्थान के सांसद क्षेत्र से हैं, और इनको जल शक्ति बोर्ड का एड नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन, ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो ग्लोबल पेरेंट्स डे जो पिता दिवस है वो ग्लोबल राष्ट्रीय पिता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो वो है 1 जून को। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें अपने माता पिता को सम्मान करने का इनको एक खास दिन दिया जाता है, कि किसी को मतलब बोलते हैं ना जैसे महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर दे दिया, ऐसे भाई उनको उनके नाम से मनाया जाता है, ऐसे ही ग्लोबल पेरेंट्स डे है, उनको 1 जून उनके लिए एक भावना होती है मन में, भावना तो हमेशा ही होती है लेकिन उनको एक खास दिन दिया गया है, तो वो कौन सा है 1 जून। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
में बढ़ोतरी किसके द्वारा की गई, जो प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना है उसमें बढ़ोतरी किसके द्वारा की गई, तो उसमें बढ़ोतरी की गई नरेंद्र मोदी द्वारा, जो अभी बैठे हुए थे उसमें बताया गया था, उसमें बढ़ोतरी की गई थी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत। देखिए दोस्तों, पहले जो प्रतिमाह जो लड़कों को मिलते थे वो कितने थे, 2000, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 2500। जो लड़कियों को पहले मिलते थे 2500, उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने एक घोषणा और की थी, जो जैसे पहले तो जो आर्मी में ऑन ड्यूटी शहीद जो एक्सपायर होते थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस है, अगर जो भी ऑन ड्यूटी शहीद हो जाएगा उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, तथा उसकी जो छात्रवृत्ति है उसमें भी उसकी सहायता की जाएगी, उसके बच्चों को पढ़ाने में तथा और भी सुविधा देने में उसकी हेल्प की जाएगी। ये घोषणा अभी नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी हाल ही में। अब देखें दोस्तों, एशिया कप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। देखिए दोस्तों, जो 2020 में एशिया कप होने वाला है उसकी मेज़बानी कौन करेगा, उसकी मेज़बानी करेगा पाकिस्तान देश। अभी पाकिस्तान देश की बात हुई है, लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, तो इसलिए वो कभी पाकिस्तान वाले भारत वाले पाकिस्तान में जाके नहीं खेलते। अगर ऐसा संबंध अच्छे नहीं बने तो इसको जो पिछली बार की तरह है कहीं और भी किया जा सकता है मैच को, इस टूर्नामेंट को। लेकिन अभी फ़िलहाल कहाँ की बात की गई है, वो पाकिस्तान की बात की गई है। वो ये कब होगा, जो सितंबर में होने वाला है दोस्तों। और पिछला एशिया कप किसने जीता था, भारत ने। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संगीत में पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया, जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे तो वो संगीत साहित्य और कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब की बार का जो पुलित्जर पुरस्कार वो किसे दिया गया, तो दोस्तों वो कैंडिड लैमर को वो पुरस्कार दिया गया है, जो कैंडिड लैमर हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। उनका एल्बम कौन सा था दोस्तों, ये डैम, इनको डैम जो है डेव एल्बम की, उनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पहले रैपर हैं जो रैप करते हैं, पहले तो संगीत जैसे संगीत और साहित्य क्षेत्र में, लेकिन जो पहले रैपर हैं जो रैप लिखते हैं रैप करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब इतने क्वेश्चन थे जो मैंने बताए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मैंने पिछले वीडियो बनाई थी कल आपके लिए, तो शायद आपने पढ़ी होगी, तो आप आराम से बता दोगे कि भारत के गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया। आप इसका आंसर कमेंट्स में दीजिए, मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, आप इसका कमेंट्स में ज़रूर आंसर दीजिए। भारत के गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री के रूप में किसे चुना गया है। 14वां है, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे चुना गया। और आखिरी प्रश्न है मेरा, कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में इसकी पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट्स में दीजिएगा। देखते हैं हम कितने सही कर पाते, कितने बिना देखे दीजिएगा, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होंगी, अगर एक बार पढ़ लेते हो तो लगभग दिमाग में बैठ ही जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करना तो भूलें ही मत, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको दबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे, और घंटी का बटन दोबारा ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आपका साथ होगा तो हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भाइयों। अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।